कनाडा जनवरी 2023 इनटेक की लास्ट डेडलाइन क्या है? कब तक आप जो अपनी एप्लीकेशन है जनवरी 2023 के लिए रख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है टाइमली आ जाए? क्योंकि सितंबर में बहुत सारे बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस की और अभी भी फेस कर रहे हैं। कॉलेजेस उनको बोल रहे हैं कि दैट आप अपना जो वीजा का स्टेटस है वो हमें बताइए, क्योंकि हमने आपकी जो सीट है वो एडजस्टमेंट करनी है। ये प्रॉब्लम पिछले काफी सारे समय से आई है, बट अगर हम चीजें एडवांस में प्लान करके चलेंगे तो जनवरी 2023 के लिए आप अपना टाइमली रिजल्ट है जो एक्सपेक्ट कर सकेंगे। और कब तक आपकी फाइल लगनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वीजा फाइलिंग में, स्टूडेंट वीजा, एसओपी में, आईएलटीएस में आपके स्कोर नहीं आ रहे, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। केस रिफ्यूज हो गया, डिस्कस करना चाहते हो, देन यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट अस। सो सबसे पहले तो हम करंट प्रोसेसिंग टाइम की बात करेंगे। उस हिसाब से हम एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पहुंच सकते हैं कि तब तक अगर फाइल लगेगी तो रिजल्ट आ जाएगा। इन दिनों अगर वीजा के रिजल्ट्स की बात करें तो अप्रैल की एप्लीकेशन के रिजल्ट आ रहे हैं और हम कह सकते हैं कि जुलाई के थर्ड वीक में एंटर होने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आने में जो एवरेज टाइम लग रहा है इस समय नियर अबाउट 60 डेज वर्किंग का लग रहा है, ठीक है। और अगर नॉन वर्किंग की बात करें तो वही 3 मंथ के करीब, 2.5 से 3 मंथ के करीब रिजल्ट को टाइम लग रहा है। इस हिसाब से देखा जाए अगर आपकी एप्लीकेशन सितंबर मिड और सितंबर लास्ट के बीच लॉन्च होती है तो आप अपना रिजल्ट है जो टाइमली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसके पीछे भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो कैसे? सबसे पहले आपको कोर्स जो लेना है, जहां अगर इन दिनों भी आप जनवरी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपके जो प्रोसेस है आपका, जैसे आपकी फीस है, आपकी GIC है, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक्स है, अगर आप मिड ऑफ सितंबर तक कंप्लीट कर देते हैं या लास्ट ऑफ सितंबर तक भी कंप्लीट कर देते हैं तो आपके पास टाइम होगा कि टाइमली आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि कॉलेज का प्रेशर आ जाता है और रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि दिसंबर में वैसे भी आपको पता है कि हाई कमीशन की वर्किंग कम होती है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, क्योंकि क्रिसमस की हॉलीडेज आ जाती है, तो दिसंबर में जो वर्किंग डेज होते हैं नियर अबाउट 15 ही होते हैं। तो उस मंथ को तो आप एक ना ही मान के चले तो अच्छा है। तो आपकी जो वर्किंग के चांसेस है वो ज्यादा नवंबर में रहेंगे, ठीक है, और अक्टूबर में रहेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने जो कोर्स चूज करना है उस चीज में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, जनवरी, चाहे आपने रीअप्लाई करना है चाहे आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हो, कि अब एम्बेसी बहुत ही सीरियस है। रिफ्यूजल बड़े नंबर्स में आपने सितंबर 2022 इनटेक में देखा है। जिन बच्चों ने रीअप्लाई भी करना है, जिन्होंने फ्रेश भी अप्लाई करना है, अपने कोर्स को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्यों बार बार ये चीज बोल रहा हूं? जो एलिगेशन लग रहा है, जो रिफ्यूजल आ रहा है, इस चीज को लेकर ही आ रहा है। आपकी कोर्स सिलेक्शन, कोर्स रेलिवेंसी और फ्यूचर प्लान अगर एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, प्लस आपकी जो फाइनेंशियल है वो अच्छे से प्रेजेंट करते हो, देन डेफिनेटली आपके वीजा के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते हैं। अगर आपका फेवरेट कोर्स आपको नहीं मिल रहा है जनवरी 2023 में तो इट्स बेटर टू अडॉप्ट मई, बिकॉज अगर कोर्स में ही कॉम्प्रोमाइज हो गया चाहे फाइल अगस्त में लगा दो, वीजा के चांसेस है जो ना के बरोबर रहेंगे, क्योंकि इन चीज को लेकर हाई कमीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और दूसरी चीज, जो कोर्स आपने जनवरी में लेना है जनवरी 2023 में, कोर्स वही चूज कीजिए। रेलिवेंसी तो मैंने बता दी है, जिसकी डेफरमेंट जो आपको नेक्स्ट इनटेक में मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये चीज होती है कि जो केस जैसे बच्चों का अभी चल रहा है, कुछ केसेस सितंबर में उन्होंने लगाए थे, ठीक है, सितंबर के लिए, और उनके कोर्सेज जनवरी में नहीं अवेलेबल है, डायरेक्ट सितंबर का डेफर मिल रहा है। तो रेलिवेंसी के साथ साथ इस सेकंड पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देना है कि कल को अगर इन केस आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है तब डेफरमेंट लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बाद में लाइफ खत्म नहीं हो जाती वीजा रिफ्यूज होने के बाद। रीएप्लीकेशन करोगे विद अच्छी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, कनाडा के वीजे निकलते हैं, कनाडा वीजा देता है अगर अच्छी एक्सप्लेनेशन है, अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो जनवरी के लिए अगर आपने टाइमली रिजल्ट लेना है तो सितंबर मिड से लेकर सितंबर लास्ट के वीक एप्लीकेशन अगर आप लगा दोगे देन यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट विद इन अ टाइम फ्रेम। और दूसरी चीज, जितना आप लेट होते जाओगे उस चीज का एक और इंपैक्ट भी आपके ऊपर पड़ेगा, वो क्या है? वीजा कोटा।
जैसे आपको पता है कि इंटेक जब स्टार्ट होता है इंटेक के रिजल्ट आने, तो वीजा स्पीड भी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छी होती है। जैसे जैसे इंटेक पास आता जाता है एप्लीकेशन का रश ज्यादा होता है और हाई कमीशन के ऊपर भी प्रेशर होता है, उस तरह से आपकी फाइल को नहीं एनालाइज किया जाता जिस लेवल की एनालाइजिंग आपकी एप्लीकेशन की होनी चाहिए। तो एज सून एज पॉसिबल अगर चीजें कंप्लीट है तो अगस्त में भी रख दोगे, वो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है, और अच्छे टाइमली आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीन चीजों के ऊपर प्लीज ध्यान देना, दोबारा फिर से बोल रहा हूं, कोर्स रेलिवेंसी, ठीक है जी, कोर्स सिलेक्शन और फ्यूचर प्लान, ये तीन चीजें आपके साथ लिंक होनी चाहिए। स्पेशली जो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट जिनका गैप है, तो जस्टिफिकेशन अच्छे से देना, वीजा डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। एसओपी में अगर कोई हेल्प चाहिए, हमें ये नहीं होता कि स्टूडेंट हमारे साथ अप्लाई करे, किसी भी तरह की आपकी हेल्प हो सके हम उसके लिए रेडी होते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।